चलिए, तो वाह क्या आप फिर वाह, दोबारा किसी प्रवचन में जाएंगे? बेटा आप भी रज लेने की तरफ उधर बढ़ी थी क्या, जैसा कि उन कह रहे थे कि जब मैं इधर से निकलूंगा तो आप लोग रज लेकर के जाइए? एक चीज कहना चाहता हूँ देशवासियों से भी कि अंधविश्वास और अंधभक्ति हमारे देश में इतनी बढ़ गई है। इस दिन कितने दिनों से आप जुड़ी हैं इनसे? आपकी क्या राय है, अपनी राय बताइए ना इसको। आप भी तो पढ़ी लिखी होंगी, कितने कितने दिनों से जुड़ी हुई हैं? भैया गिरे पड़े, अब ना पतो हमारे ऊपर कितनों आदमी गिरे हो चले हो। कोई यहाँ हजारों लोग मर गए, मानिए इनके परिवार बेघर हो गए, उनके लिए कोई है बाबा जी आएंगे देखने के लिए? एक बात कहना चाहते हैं, बाबा का ऊपर से कनेक्शन है, तो जब ये घटना उस टाइम हुई थी उस टाइम उन्हें बताना चाहिए था कि यहाँ पे कुछ घटना होने वाली। 2 जुलाई 2024 को हाथरस जिले के सिल के अंतर्गत फुलरई एक गांव हुआ, जहां पर कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था प्रवचन का, जहां पर कि भोले बाबा के नाम से प्रचलित एक कह सकते हैं संत, वो वहां पर प्रवचन देने के लिए यहां पर सभी लोगों को इकट्ठा किए हुए थे। उसी समय फिर जब वो वहां से निकलते हैं तो रज को लेने की बात करते हैं, और उसी लिए फिर भीड़ एक तरफ भागती है उनके रज को लेने के लिए। पैरों की धूल जिसे कहते हैं उसी को रज यहाँ पर बोला जाता है। तो वहाँ से भगदड़ के बाद बहुत सारे लोगों के मृत्यु की भी खबरें आती हैं। बहुत सारे लोग जो है कि जिस प्रकार से सफोकेशन होता है, यानी कि दम घुटने से मृत्यु की बात की गई है, तो उसके बाद बहुत सारे मरीज जो है ट्रामा सेंटर सिकंदरा राव पहुँचे, जहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं इसी ट्रामा सेंटर पे हम लोग पहुँचे, और यहाँ से तो सारे मरीज जा चुके हैं। आप तस्वीरों में आप लोगों के व्हाट्सएप पर गया होगा तमाम तस्वीर, तो यहाँ पर तमाम ऐसे लाशें भींची हुई थी जिसमें तमाम इनको बेड न मिलने की वजह से ये समस्या बताई गई थी। फिलहाल अभी भी एक दो मरीज यहाँ पर हैं, आइए थोड़ा सा हम लोग उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार घटना कैसे घटित हुआ था और आप लोगों के साथ क्या घटना घटित हुआ था, जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर बच के आए, कौन आपका हेल्प किया था। चले आइए, चलते हैं अंदर, चलते हैं और उन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हम लोग उस वार्ड में पहुँच चुके हैं जहाँ पर कि अभी दो मरीज यहाँ पर हैं जो कि उस सत्संग में शामिल हुई थी, और फिलहाल अभी इनका इलाज यहाँ पर चला। आपको कैसे पता चला कि जब ये जिस प्रकार की भगदड़ मची थी, क्या आप भी रज लेने की तरफ उधर बढ़ी थी क्या, जैसा कि उन कह रहे थे कि जब मैं इधर से निकलूंगा तो आप लोग रज लेकर के जाइएगा? नहीं, रज लेने को नहीं लेकर आए, बाहर लेकर रहे पान डालते हैं, पान डालते लिखाते ही ऐसे ही लगी, मैं धक्का मारे का उन्हें पीछे था, और धक्का मारते पे ही एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए, फिर नीचे खाई में गिर गए। नीचे खाई में तो पता ही नहीं चलो का कितने गिरे हैं, 100 गिरे 50 गिरे कितने गिरे हैं, दबते ही रहे एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक, तो वहाँ बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई, बहुत ज़्यादा ऐसा होगा। तो क्या आपके ऊपर भी ऐसे ही लोग गिरते चले गए? हाँ, तो वही तो, ये सब छाती में पीर होते, हमारे गोड़न में पीर होते, पूरे दब गए, इतने बस सिर सिर रहेगा, पूरी बॉडी दब गई। तो 4-5 लड़का ने हमें लेकर के बहुत दूर खेत में डाल दो, ले जाकर पानी डालो मुँह में, ब्यार करी, दो भैया बैठारे हिफाजत के ताएँ, ऐसे करके हमारी सांसें लौट के आई, बिल्कुल होश ना हो हमारे ताए। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पर आपको कौन लाया था? पता नहीं, हमारे ताई खेत में तो कौन उठा के लेगा। फिर हमने होश आओ हमारे ताई, तब हमने कई भैया, हमारी लड़की है जहाँ हमारी नातिन सिकंदराम में, वहाँ पहुँचाए दो, वे दो लोग करके गए हमारे ताई, हमारी दो बहनों के ताई वे ही करके गए। तब हमारी लड़की जहाँ अस्पताल में आई है, घर फोन करो तो घर पर आए हैं ये सब जगह। किस जिले से आप आती हैं? कासगंज जिले से। और किस दिन कितने दिनों से आप जुड़ी हैं इनसे? नहीं, हम जुड़े नहीं हैं, हम तो कभी कभार आ जाते हैं, हम जुड़े नहीं हैं। तो कब से आ रहे हैं इनके सत्संग में? एक दो बार गए हैं, ज़्यादा नहीं गए हैं, जहाँ जोड़े हुए सिकंदरे तो जोड़े पर तो हमारे ता से हम चले आए। तो कैसे, कोई ना कोई कहा होगा कि हाँ चलिए चला जाए? हाँ, कौन? मोहल्ला के गांव के बहुत जाते हैं, तो गाड़ी आती है तो हमारा मन आएगा वो हम चले जाएं, बस इतने पे ही हम चले आए। कुछ लाभ नज़र आता है लोगों को? हाँ, उन लोगों को है लाभ नज़र, हम तो अपने ऐसे ही चले आते हैं कि चलो दर्शन मेला करें आएंगे बस। चलिए, मतलब इस बार आ गए, दोबारा नहीं जाना है? अब ना जाना। चलिए, जान के जो कहते हैं उस मुख से निकल करके या बाहर निकली है? नहीं, हम बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं। अच्छा, हम बिल्कुल, हमारी माँ जी हैं, बुजुर्ग हैं, तो ये मतलब उस हिसाब से चली जाती हैं, हम उनको मना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इनसे कहते हैं आप बुजुर्गों तो घर पे ही रहो तो और बढ़िया है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ देशवासियों से भी कि अंधविश्वास और अंधभक्ति हमारे देश में इतनी बढ़ गई है कि जिससे कि हमारा देश 50 साल और पीछे जा रहा है, ना कि आगे जा रहा है, विकसित तो हो ही नहीं रहा है और पीछे ही जा रहा है। ये अंधविश्वास और अंधभक्ति जब तक हमारे देश में है तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता किसी भी चीज़ में।
तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे भाई बंधु इस अंधविश्वास में लगे हुए हैं, इस अंधविश्वास को छोड़िए, अपने पढ़िए लिखिए, अपना कारोबार करिए। जो हम कारोबार करेंगे उससे देश भी हमारा विकसित होगा, हमारा परिवार भी स्वच्छ और सही रहेगा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश जो है विकसित बने, ना कि अंधविश्वास में लगे। चलिए, कहीं ना कहीं जब इनकी माताजी मौत के मुख से बच करके आई हैं तो उनको ऐसी बातें लग रही, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी ये बातें खराब लग रही होंगी कि ऐसा कहा जा रहा है, जिस प्रकार से कि अंधविश्वास की बातें की जा रही हैं। कौन है आपकी दादी? है इनकी बेटी है, मेरी तो दादी है, इनकी ये बेटी है। तो जैसा अभी आपसे बात हुआ तो मतलब आप ही इन दोनों लोग को यहाँ पर हॉस्पिटल में लाए हैं? लेके आए। दोनों बहनें? हाँ, दोनों बहनें, दोनों सिस्टर हैं, हमारी दादी हैं दोनों। तो आप कहाँ जब पहुँची तो वो कैसी हालत थी? बहुत ज़्यादा परेशान थी, इनको होश भी नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं। बस इन्होंने नाम बता दिया था, नाम बता दिया कि हमारी लड़की है वहाँ सिकंदर, वहाँ छोड़ दो, बस छोड़ के चले गए, हमें नहीं पता कौन छोड़ के गया इनको। अच्छा। पर ये इनकी हालत बहुत डाउन थी। कल हमने घर पे फ़ोन करा, फिर ये सब लोग आए तब लेके आए, वो भी ये खुद से नहीं चल के आ रही थी, मेरे हस्बैंड तो गोदी उठा के लेके आए थे मेरी दादी को। चलिए, अभी भाई साहब ने कहा कि अंधविश्वास की बात कर रहे हैं, तो आप भी क्या इस सब चीज़ों पे आप विश्वास करते हैं? इस प्रकार के प्रवचन चल रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं इस प्रवचन में इतने ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए कि उनको गैदरिंग नहीं, मतलब जिस प्रकार से भीड़ हुआ उसको कंट्रोल ये लोग नहीं कर पाए, नहीं इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय बताइए ना इसको, आप भी तो पढ़ी लिखी होंगी। हाँ, पढ़ी लिखे हैं। हाँ, बेटी हैं। हाँ जी। चलिए, आपकी अगर हम लोग बात करें तो मतलब इनको फिर लेकर कौन आया था यहाँ सत्संग में, या फिर कौन ये बेटी के पास छोड़ गए थे इन दोनों को, तो ये बेटी लेके आई थी यहाँ पे दोनों सत्संग में? सत्संग में कौन सत्संग में यहाँ घर जैसे गांव से आई थी, तो वहाँ तो सारे बहुत सारे लोग आए थे, उन्हीं के साथ आई थी ये। दूर दूर होते वहाँ तो जाती नहीं है ये, पास होते तो चली आई थी, तो इनसे इतना मना भी नहीं कर सकते क्योंकि बुजुर्ग हैं हमारे घर के, तो इनसे मना भी नहीं कर सकते, चली आई थी अपने मन से। पर इतना इन्हें ये नहीं पता था यहाँ आएंगी कैसा हो जाएगा। कितने दिनों से जुड़ी हुई हैं ये? मुझे तो ऐसा पता नहीं है, दो चार बार ही गई होंगी, ज़्यादातर ज़्यादा नहीं जाती हैं ये। अच्छा। चलिए, तो क्या आगामी भविष्य में फिर ऐसा कोई इनका प्रवचन होगा या फिर कोई प्रवचन होगा तो क्या वहाँ पे जाएंगे फिर? शायद मेरी उम्मीद तो ये नहीं जाएंगे, अब ऐसा हादसा देखे नहीं जाएंगे अब। आप भेजेंगी नहीं भेजेंगी? अब हम तो भेजें, हम मना नहीं कर सकते क्योंकि अगर इनकी इच्छा होगी तो जा सकती है, नहीं वैसे अब ये जाएंगे नहीं। जैसे कि जिस प्रकार से घटना घटित हुई है, कहीं ना कहीं मौत के मुख से कहिए जो है कि चल के आए हैं, क्या नाम क्या हुआ, परिचय क्या हुआ? उर्मिला देव। किस आप दोनों लोग सिस्टर हैं? हम बहन हैं, बड़ी बहन है, हम छोटे हैं, हम उर्मिला देवी नाम। तो थोड़ा सा उस घटना के बारे में बताएंगे आपके साथ जो घटनाएं घटित हुई हैं। घटना का जैसे बाबा श्री उठ के नए गए तैसे पब्लिक भजी, पब्लिक चली अपने अपने घर को, हम भी चले। अब जाना पतो हम जा रास्ता पे ही, उधर रास्ता के ताई नहीं आ गए ताई जाते वो खैया ही थे, तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा जाल करी। अब हम भी वही धक्का मुक्की में हम आगे बढ़े गए, आगे जा के खैया में आदमी गिर रहे, जो मर रहे गिर रहे मर रहे, उन्हें ऊपर भीड़ जा रही। अब हमने आगे जा के देखो, अब का करें हम तो बड़े भाव में आए गए, मैंने कि अब हम मरे जाएंगे जाइए, हम तो भैया देखो बेटा घबराए गए, सो हम वही गिरे पड़े। अब ना पतो हमारे ऊपर कितनों आदमी गिरे हो चले हो, फिर ऐसे ही तुम्हार भैया ने काबू ने हमें खचेड़ के बाहर डाल दो। अब जाना पतो कि हमें फिर होश ना रहो, कि हमें ना मालूम कि का हो रहो वहाँ का ना हो रहो, हमारे लिए बेटा हम कुछ ना खबर रहे। उस दिन तो गर्मी भी जबरदस्त, बहुत ज़्यादा गर्मी, बूंद भी पड़ रही और गर्मी भी ही जैसे बदका पड़ रहा हो, बहुत गर्मी ही बा, गर्मी से और ज़्यादा घबराए गो आदमी बा भीड़ में। सो हम तो बेटा गिर पड़े, तो हमारे पतो को कितने आदमी हमारी जैसे सीना में सब में पाँच धत्तर के बड़ी बुरी तरह से गए, सिर पे खाड़ खड़े जहाँ पाँच धरे जहाँ पाँच धरे निकल जाए, जहाँ पाँच धरे जहाँ पारे निकल जाए खड़े पैसे। अब खड़े ना भागो तब हम गिरे पारे में, फिर हमें हो सका अब बेटा के हम का भाव इतनी बात। तो क्या आप फिर दोबारा किसी प्रवचन में जाएंगे? हम ना जाएंगे, हम अभी जान बचाए के मुश्किल से आए, अब ना जाए। हमारा पूजा करना है तो घर पर करेंगे पूजा करने से देख ही जाए, जब जान बचे तो सब पाए, घर का बुद्धू लौट के आए, अब घर जो कुछ करेंगे सो घर कर बेटा हम ना जाएंगे बस। चलिए, फिलहाल देखिए आप देख पा रहे हैं कि हम लोग उसी ट्रामा सेंटर में थे जहां पर कि दो बहनें अभी एडमिट हैं, अभी फिलहाल जो इनका
चश्मदीद के तौर पे बता रहे हैं कि हमारे ऊपर से लोग चढ़ चढ़ करके गए हैं। कहीं के उस दिन गर्मी भी ज़बरदस्त थी, लेकिन जो इस तरह के बाबा होते हैं आप देख पा रहे होंगे मंच पर बैठे रहते हैं और फुल्ली एसी का आनंद लेते हैं, वहीं कहीं जो प्रवचन सुनने वाले लोग होते हैं वो बैठ करके ज़मीन पर गर्मी में तपिश में इस प्रवचन को सुनते हैं। आप लोगों का क्या राय है इस प्रवचन को लेकर, या फिर किसी भी प्रवचन को लेकर आप लोगों की क्या राय है? मतलब कैसे? हमारे कहने का मतलब जिस प्रकार से प्रवचन हुआ है, मतलब इतनी भीड़ हुई है, या मतलब इस प्रकार के गए थे, मैं नहीं गई थी, अंधविश्वास। हाँ वही 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 अंधविश्वास खत्म होना चाहिए। प्रवचन में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा। जब पढ़े लिखे हो तो उस हिसाब से चलो ना। जब अंधविश्वास में क्या है, बाबा जी कुछ देगा, वो यहाँ हजारों लोग मर गए, मानिए इनके परिवार बेघर हो गए, उनके लिए कोई है, बाबा जी आएंगे देखने के लिए? किसी की माँ मर गई, किसी के बच्चे मर गए, कोई संभालने आएगा? या बाबा जी के कोई आएंगे राहतगीर उन्हें देने? कुछ नहीं, कोई नहीं आएगा। अंधविश्वास खत्म होना चाहिए। मतलब ये है, जैसे लोग कहते हैं कि बाबा का कनेक्शन ऊपर से है और उनके अमर बाबा, हम एक बात कहना चाहते हैं, बाबा का ऊपर से कनेक्शन है तो जब ये घटना उस टाइम हुई थी उस टाइम उन्हें बताना चाहिए था कि यहाँ पे कुछ घटना होने वाली है, अपने जो सेवादार है उनसे कहना चाहिए था, इन्हें जनता को समर के निकालिए। कहीं पर बम ब्लास्ट होता है या फिर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो अलग बात होती है, लेकिन इस जगह ऐसी घटना होना जहाँ पर कि लोग कह रहे हैं कि प्रवचन चल रहा है या फिर भगवान का साक्षात अपने आप को लोग भगवान ही, जब इंसान जब भगवान हो जाएगा जो तो उन्हें सारी बात पता होनी चाहिए ना। जब भगवान ही इंसान ही आम इंसान भगवान बनना है तो उसे पता होना चाहिए ना सारी बात। देखिए सभी लोगों की यही बातें हैं कि अंधविश्वास खत्म होना चाहिए। इस प्रकार के प्रवचन से हम तो कहेंगे कि दूरी बनाना चाहिए आपको, जिस प्रकार से ये लोग बातें बता रहे हैं। कहीं ना कहीं जब कोई मौत के मुख से जब बाहर निकल के आता है तो उनको इस बात की समझ में आती है, जैसा कि माता जी ने भी कहा कि घर का बुद्धू लौट के आए, तो उसी तरह की बातें हम भी कर रहे हैं। आपकी राय क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएगा। इस प्रकार के तमाम प्रवचनों, कोई भी प्रवचन हो, इन सभी प्रवचनों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।